हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्केस्ट्री प्लैनेट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग खान सर की 11,000 प्लस वाली बुक से बायोलॉजी से अगला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम संबंधी प्रश्नों को देखे थे, उनमें कुल 59 प्रश्न थे। तो वो सारे क्वेश्चन जो है रेलवे के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन ही वहाँ पे थे। तो यह वीडियो भी रेलवे के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन को ही शामिल किया गया है इस वीडियो में। चलिए देखते चलते हैं यहाँ पे कौन कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मानव नरों में मूत्र और वीर और प्रवाह के लिए एक ही मार्ग होता है जिसे कहते हैं। आंसर जाएगा मूत्र मार्ग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गतिशील जीवाणु कोशिका को कहा जाता है। आंसर जाएगा नर युग्मक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि डैश शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। तो लैंगिक प्रजनन शामिल होने से और अधिक विविधता उत्पन्न हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 4 नंबर, अलैंगिक प्रजनन भिन्न है क्योंकि अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, तो एक नए जीव अनुवांशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है। आंसर हो जाएगा वृषण है। 6 नंबर है, सिगैमी क्या कहलाता है। आंसर हो जाएगा एक शुक्राणु का एक अंडाणु से संयुग्मन सिगैमी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है। आंसर हो जाएगा गर्भाशय। क्वेश्चन नंबर 8 है, इम्यूलेशन क्या है। तो इम्यूलेशन जो है वह एक प्रक्रिया है जिसमें एक गर्भाशय में लैनिंग से युग्मक जुड़ता है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, 8 का बी नंबर। 9 नंबर देखते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होता है। आंसर हो जाएगा मूत्राशय के नीचे। अगर देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है। क्या है, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंडा अंडाशय से कोक में किसके माध्यम से लाया जाता है। आंसर हो जाएगा डिम्ब वाहिनी के द्वारा। अगला है कि मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मानव के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। आंसर जाएगा गर्भनाल यानी प्लेसेंटा। 13 है, उस अंग का नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है। आंसर जाएगा गर्भाशय। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 14 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वृषण डैश में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। आंसर जाएगा अंडकोश की थैली। अगला देखिए, निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज यानी कि जायगोट का निर्माण होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजनन कोशिका है। आंसर हो जाएगा युग्मक एक प्रजनन कोशिका है। 17 है, महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है। आंसर हो जाएगा किशोरावस्था से। 18 है, मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा अंड जनन कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि मनुष्य के नवजात शिशु को अस्तन ग्रंथि यानी मेमोरी ग्लैंड से निकलने पहले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। तो कोलोस्ट्रम क्या प्रदान करता है। आंसर हो जाएगा रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। अगला देखिए 20 नंबर, कि डिम के साथ शुक्राणु का निषेचन होता है। आंसर हो जाएगा फिलोपियन ट्यूब में। 21 है, गर्भ निरोधक गोलियों में डैश शामिल होता है। आंसर हो जाएगा प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन के गौन मिश्रण। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर समान रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है किशोरावस्था की इस स्थिति को क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा यौवन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि डैश उस उम्र का नाम है जिसके दौरान मनुष्य पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं, गोनाड्स युग्मक और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं और मानव योनि के प्रति परिपक्व हो जाते हैं। आंसर हो जाएगा किशोरावस्था के दौरान। अगले देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मक नामक एक संरचना का निर्माण में परिणामित होती है। आंसर हो जाएगा निषेचन। 25 है, शुक्राणुओं का निर्माण डैश में होता है। आंसर हो जाएगा वृषण में होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 है कि पुरुषों में वृषण को शरीर के बाहर होता है क्यों। क्योंकि आंसर क्या हो जाएगा कि शुक्राणु निर्माण के लिए समान शरीर का तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को कि डैश बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है। तो पोषक उत्तक के रूप में कौन कार्य करता है। आंसर होगा भ्रूण कोष। अगला देखिए 28 है कि उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवाहिका। 29 है, शुक्राणु अस्थायी रूप से डैश में रखे जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, अधिवृषण में रखे जाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि इनमें से कौन सा
क्वेश्चन नंबर 30 है, इनमें से कौन सा मनुष्य में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है? आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवाही का। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? आंसर क्या हो जाएगा? अंडाशय यानी कि ओवरी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 को। क्वेश्चन नंबर 32 है, डैश में मांसपेशियों के लेबर संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? गर्भाशय। अगला देखिए 33 है, मनुष्यों में निषेचन डैश में होता है, तो निषेचन कहाँ होता है? फलोपियन ट्यूब में होता है। गर्भाशय डैश के माध्यम से योनि से खुलता है, आंसर क्या हो जाएगा? किसके माध्यम से योनि में खुलता है? आंसर हो जाएगा गर्भाशय ग्रीवा। क्वेश्चन नंबर 35 है, मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किससे निर्मित होते हैं? आंसर हो जाएगा अंडाशय यानी कि ओवरी से। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 36, ग्राफियन पुटक यानी कि फॉलिकल की गुहिका को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा कोटर या फिर एंट्रम। अगला देखिए 37 है, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिका को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा मादा युग्मक कहा जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, डैश के द्वारा शुक्राणु विरेचन से बाहर जाते हैं, आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका के द्वारा। 39 है, इनमें से क्या एक नल प्रजनन अवयव नहीं है? आंसर हो जाएगा गर्भाशय ग्रीवा। 40 देखते हैं, शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक समान मार्ग का निर्माण करते हैं जिसे कहते हैं, आंसर क्या हो जाएगा? मूत्र मार्ग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके माध्यम से लाया जाता है? आंसर हो जाएगा बीज वाहिका के द्वारा। अगला देखिए 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। 43 है कि मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे के अंडाशय से गर्भाशय तक लाता है? आंसर हो जाएगा फलोपियन ट्यूब। अगला देखते हैं 44, क्वेश्चन नंबर 44 है कि उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी जाती है? आंसर हो जाएगा गर्भ निरोध। अगला देखिए 45, नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मनुष्य अनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? आंसर हो जाएगा शुक्राणु में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है कि प्रसव पीड़ा के दीवारों में संकुचन के कारण होता है? आंसर हो जाएगा गर्भाशय की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। 47 है, माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास मनुष्य के मामले में लगभग 10 महीने लगते हैं, आंसर क्या हो जाएगा? 9 महीने लगते हैं। 10 के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, आंसर हो जाएगा निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। अगले देखिए 48 है कि 10 के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, आंसर हो जाएगा निषेचन। 49 है, मनुष्यों में निषेचित अंडा 10 के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है, आंसर क्या हो जाएगा? गर्भाशय में। 50 है, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं डैश हो सकती है, आंसर हो जाएगा वंशागत हो सकती है। 51 है, नर प्रजनन कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है? आंसर हो जाएगा विरेचन में होता है। अगला देखिए 52, तो 52 यहाँ पे बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 52 है, मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? सी यानी कि भ्रूण से अपशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। अरे देखिए 53 है, नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर बनते हैं, क्या बनाते हैं? तो नर और मादा युग्मक मिलकर आपस में युग्मनज का निर्माण करते हैं। अरे देखिए क्वेश्चन नंबर 54 को, क्वेश्चन नंबर 54 है, क्वेश्चन नंबर 54 है, पुरुष प्रजनन तंत्र के उस अंग की पहचान करें जो शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक ही मार्ग निर्माण करता है, आंसर हो जाएगा मूत्र मार्ग। क्वेश्चन नंबर 55 है कि विदलन विभाजन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आंसर क्या हो जाएगा? तो कोशिका का आकार घटता है। 56 है, प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाले स्राव डैश में प्रवेश करता है, आंसर हो जाएगा मूत्र मार्ग में। देखिए 57 है कि डैश युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। देखिए 58 है, मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किसका कारण बहता है? आंसर हो जाएगा गर्भाशय की परत टूटने से। अगला देखिए 59 है, निषेचित अंडा युग्मनज डैश की परत में समाविष्ट हो जाता है, आंसर हो जाएगा गर्भाशय में समाविष्ट हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 को, तो क्वेश्चन नंबर 60 है कि उस भाग की पहचान करें जहां पुरुष प्रजनन भाग जनन कोशिका का निर्माण करता है, आंसर हो जाएगा विरेचन में। 61 है, शुक्रवाहिका समान मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नालिका के साथ जुड़ी होती है जिसे क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा मूत्र मार्ग कहा जाता है। 62 है, पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? आंसर हो जाएगा 2 अंडकोश होते हैं।
शिक्षक थ्योरी है कि कुछ महिलाओं में कुछ समस्या के कारण फलन नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में फलन के लिए ताजे निकले हुए अंडे और शुक्राणुओं को शरीर से बाहर कुछ देर तक एक साथ रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा विट्रो कहते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 64 को, तो 64 बोला जा रहा है कि यौन प्रजनन, 64 है, यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान होता है, आंसर हो जाएगा उसके वंशाणु जीन का आधा भाग। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, मादा प्रजनन कोशिका का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा अंडा नाम है। अगला देखिए 66, प्रकनली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? आंसर हो जाएगा डिम का निषेचन प्रकनली में होता है लेकिन गर्भाशय में विकसित होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए 67 को, तो देखिए 67 यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो 67 है, भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा गर्भनाल के द्वारा प्राप्त होता है। चलिए अगला देखते हैं 68 नंबर, क्वेश्चन नंबर 68 है, निषेचित अंडाणु के इमल्टेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? आंसर होगा प्रोजेस्ट्रॉन। 69 है, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है? आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। अरे देखिए 70 है, स्वादिष्ट भोजन को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, यह क्या है? आंसर हो जाएगा हार्मोनी अनुक्रिया है। अरे देखिए 71, मनुष्य लोहा किसे प्राप्त करता है? आंसर हो जाएगा पालक से प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन कि टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है? आंसर हो जाएगा ट्यूब में निषेचन होना। तो फ्रेंड्स इस तरह हम लोग इसमें 72 क्वेश्चनों को देखें पढ़ें हम लोग। तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन रेलवे के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन था, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बगल का बेल आइकन दबा दिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जितने भी थे यहाँ रेलवे के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन था, तो हो सकता है आगे आने वाले रेलवे के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन को रिपीट करें। तो फ्रेंड्स अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। अगला जो है चैप्टर वो 10 है, प्रोटीन विटामिन और खनिज पदार्थ, यानी कि प्रोटीन विटामिन एंड मिनरल्स। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।